यूटी के असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके चौधरी ने बुधवार को चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक विशेष मीटिंग में व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित समस्याएं सुनी। मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी किया। आइए दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। मैक्सिमम बिल कटे, कई जगह प्रॉब्लम्स रहती है कि कस्टमर नहीं लेता और नहीं लेता, तो हमने एक मुहिम चलाया है इसके लिए ना कि भाई हर कस्टमर बिल ले, हम हर शॉप के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों क्योंकि कुछ स्टेट से डिमांड आई थी भी कस्टमर लेता नहीं, तो हम सरकार की तरफ से एक हमने एक स्टिकर उन पर लगाया है कि भाई अपना बिल अवश्य लें, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का लोगो है और है। बाकी हम मार्केटों में होर्डिंग भी शुरू कर रहे हैं लगाने, बाकी हमने थिएटर के अंदर PVR से उसके अंदर हमने स्लाइड चलवाया है, और बाकी हमने FM रेडियो के ऊपर भी एक स्लाइड चलाया है कि भाई अपना बिल लेके देश की उन्नति में भागीदार बने और बिल अवश्य लें अपना ना। सर छोटे दुकानदार हैं बहुत छोटे सामान का, देखो भाई साहब ऐसा है उसमें ना प्रावधान ये है कि भाई 200 रुपये से अगर ज़्यादा का सामान है ना, मतलब अगर कोई आदमी जैसे 50 रुपये है, 70 रुपये है, 150 रुपये है, तो उसमें बिल काटने की जरूरत नहीं है उसको, एक मतलब अलग से। आप ये जरूरी है कि शाम को जितनी सेल होती है उसका एक बिल कैश का काट ले वो, कि किसी को 50 का 50 होगा, क्योंकि गले में पता तो होता है शाम को गिनता है कि मेरी कितनी कैसी सेल हुई, तो उसका कैश का एक बिल काट ले। जैसे किराने वाले होते हैं, ये छोटा मुनियारी की दुकान है, वो एक बिल काट ले 2000 का 3000 जो भी उसकी सेल हुई है, 200 से ऊपर है तो फिर ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि वो बिल काटना जरूरी है, उसको मैंडेटरी है। नहीं ये तो लोकल सेल करते हैं ना, ये तो लोकल सेल ही है इनकी, कस्टमर कहाँ से आते हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गुड्स के अंदर लोकल जो इनकी सेल रहती है 9% UTGST है, 9% GST है। तो इशू क्या है जी, वो इशू कुछ नहीं है, इशू कुछ नहीं है। पंचकूला जा रहा है इनका माल, पंचकूला जाए, पंचकूला से कस्टमर आया वो यहाँ माल लेता है, अपने घर का कोई एड्रेस लिखा देता है, तो माल तो यहीं डिलीवर हो रहा है ना, माल तो यहीं पे सेल हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई से निकल रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो रूल कहते हैं वो यहीं कहते हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल कहते हैं, वो यहीं डिलीवरी हो जाती है उसकी। सर्विसेज हो, सर्विसेज होगी ये कंज्यूमर के केस में, अगर रजिस्टर्ड डीलर होगा तो फिर IGST लगेगा। हाँ, और सर्विसेज के केस में एड्रेस बात आती है, सर्विसेज के केस में जैसे अगर मैं मतलब मैंने गाड़ी की सफाई करवाई, वॉशिंग करवाई, तो सर्विसेज है ना वो, उसमें अगर कस्टमर का पंचकूला का है तो फिर पंचकूला उसको IGST लगता है। बाकी मेन हमारा इशू आज जो है जिसके लिए हम ये मीटिंग करी है, वो दैट इशू इज रिगार्डिंग इशू इज ऑफ बिल्स, कि हर आदमी क्योंकि देखो ऐसी मार्केट है, ऑटो मार्केट है, अपने 26 सेक्टर की मार्केट है, या केमिस्ट हैं आप भी जाते होंगे, बिल देते ही नहीं, तो वो बिल दें और कस्टमर कंज्यूमर भी बिल दें, बिल कटेंगे तो सरकार का रेवेन्यू देने पड़ेगा। छोटे बड़े का कंसेप्ट नहीं है, अमाउंट की बात है, 200 से ऊपर का तो सपोज टू शुगर नोट करते नहीं, वो पता है नोट करने के बाद इस बात की क्या गारंटी शाम को क्या इशू करेगा वो, ये तो नहीं पता ना। 200 रुपये में तो कंप्लाइंस जरूरी है, वो कहता है कि 200 से ज़्यादा है तो सपोज टू शुगर। सेंटर का हमें सर कितना मिला है UTGST? तो हमें IG सेटलमेंट मिलती है हर महीने, वो किसी महीने मतलब डिपेंड करता है ना कितना यूज़ हुआ, कभी 75 करोड़, कभी 80 करोड़, इस बार हमें 86 करोड़ मिली है जो हाइएस्ट अभी तक की, आजकल के दौर में प्रेजिडेंट चंडीगढ़ परिसर एसोसिएशन, आज की मीटिंग हमने बुलाई थी सभी डीलर के लिए, हमारे मेंबरों के लिए, तो बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही। इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था GST का भी, जो हम कंज्यूमर को माल बेचते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न था भी 18% GST लें या उससे 9% लें, तो आज हमारे असिस्टेंट कमिश्नर आरके चौधरी ने क्लियर कर दिया भी आप इसमें 9% कस्टमर से लें, ना कि 18% अगर आप कहीं माल चंडीगढ़ से बाहर भेजते हो, तो ये बहुत ही प्रोजेक्ट रहा। दूसरी बात हमारी डिमांड थी कि जो वैट के केस है वो वन टाइम सेटलमेंट हो जाए बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने आश्वासन दिया जो साहब ने भी हम इसके लिए प्रयासरत हैं और लिबरल हैं, तो हो सकता है ये स्कीम आ जाए ताकि व्यापारी को राहत मिल सके, और हम सहयोग करेंगे भी रेवेन्यू चंडीगढ़ गवर्नमेंट का बढ़े। तीसरी बात,
जो वैट के केस है 2012-13 के, तो उन्होंने हमें रिलैक्सेशन दी है, जो 31 मार्च डेडलाइन है 31 मार्च 2020, तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन देखें। और चौथी बात, जो डुप्लीकेट सी फार्म की उन्होंने बात कही है, तो डुप्लीकेट सी फार्म भी वो अलाउ कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई व्यापारी को, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और हमने फर्नीचर एसोसिएशन की तरफ से उनको आश्वासन दिया है कि हम विदाउट बिल कोई भी माल सेल नहीं करेंगे।